वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। अरे पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के निकला था, मैं वॉक करने गया, पीछे कुत्ता पड़ गया, भाग के आ रहा हूं, मेरी वॉक पीछे रह गई। नानी प्लेट तोड़ दी तूने? अरे नहीं कप्पू, तुझे पता है प्लेट का टूटना बहुत अच्छा शगुन होता है, देखना कोई ना कोई मेहमान जरूर आएंगे। और तू भूल गया कप्पू, जब ग्लास टूटा था मेरा देवर आया था, जब ढोंगा टूटा था तेरी बुआ आई थी, जब प्लेटें टूटी थी मेरा जीजू आया था। तेरे रिश्तेदार तो सारे है ही मनहूस, उसमें कुछ तोड़ फोड़ के आते हैं, एक दो तो दरवाजा तोड़ के आ गए थे। यहाँ तो रोज दिल टूटते हैं फिर भी कोई नहीं आता। किस दिन मुंह तोड़वा के देख, दो चार लोग पता लेने आएंगे तेरा। और ये सब बातें हैं। हमारे घर में चारपाई टूटी थी तब तो कोई नहीं आया था। क्यों, चारपाई टूटने के बाद तू नहीं आ रहा दुनिया में? कैसे मनहूस बात की है, मेरा गिलास टूट गया है, लगता है मेरे घर में भी मेहमान आने वाले हैं। कोई ना कोई तो आने वाला है। लग रहा है मेहमान आएंगे। एक तो ना दुनिया में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी नहीं चाहिए थी, प्लेट नीचे नहीं गिरनी चाहिए थी, ऐसे ऊपर जाके किसी के मुंह पे लगनी चाहिए थी। कप्पू कदर करो, ऐसी पड़ोसन किस्मत वालों को मिलती है। मेरे घर की ना, मेरे घर की किस्मत पे नजर डाल के देख, मैंने तेरी किस्मत लाल कर देनी है। देख तू मेरे कप्पू को हाथ तो लगा के देख, गंदी चाय मैंने तेरे मुंह पे मारनी है। ओए खबरदार, अगर मेरी चाय को किसी ने गंदा कहा तो। मैंने कब तेरी चाय को गंदी कहा? उसको नहीं पता किसकी चाय गंदी है। आपके पिताजी की डॉक्टर से भी ज्यादा गंदी है मेरी चाय। सही बात है, लगता ही डॉक्टर की बेटी, ऐसा लगता है किसी ने स्पॉन्सर की है। खबरदार अगर मेरी बेटी का मजाक उड़ाया तो। हंस क्यों रहा है फिर? बात चाय मेरी बेटी की है लेकिन है तो मजेदार। और स्पॉन्सर जैसा मुंह है उसका, तो मुंह फिर भी स्पॉन्सर किया है किसी ने, तो अपना मुंह देख, सारे स्पॉन्सर मुकर जाएंगे। बात कर रहा है बड़ा बदमाश, मैंने यहीं पे थूक फेंक के मारने तेरे मुंह पे। डॉक्टर साहब अगर मुंह पिचकारी जैसा ना, इसका ये मतलब नहीं कि थूक फेंकते रहो। यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? दफा हो जाओ इधर से। इसमें तो मेरी इंसल्ट होगी ना, जो तुम्हारे लेफ्ट में खड़ा उसके बारे में कुछ बोलो। दफा हो जाओ इधर से। ये तो क्रिएटिविटी की हद होगी यार। चल बेटी स्पॉन्सर दे सम। मेरे को गुस्सा आ रहा पर मेरी हंसी नहीं रुक रही, बात अच्छी है। शाबाश कपू, शाबाश। शाबाश किस बात की? नहीं मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है ना, तेरे नाना की शाबाश पड़ी थी वही दे दी, उसे संभाल के रखना, सुहागरात में दिया था उन्होंने मुझे। चल नौटी कहेंगी, चल एक कप चाय पिलाओ। घर में दूध नहीं है। चंदू तू चाय पिला दे। मेरा मूड नहीं है। What is this all nonsense? ओ तू? अच्छा वही आ गया, चल भाग के चाय ले गया, चल। चाय और मैं अमीर आदमी हूँ, और अमीर पता कौन होता है? वो जो खाने से पहले सूप ऑर्डर करता है, और उसके बाद स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, फिर उसके बाद स्वीट डिश, फिर फिंगर बॉल, और फिर बिल, और जब बिल देता है तो पता क्या कहता है? कीप द चेंज। एक्सक्यूज मी, मेरी दवा का टाइम हो गया। तेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई अभी? गरीब आदमी है, बीमारी भी नीचे नीचे वाली याद रखी हुई है, हाई ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं है। यह दवा मैंने गुस्सा कंट्रोल करने के लिए रखी हुई है, जब मैं गरीब देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। और जात तेरे जैसे बड़े बड़े हमने नौकर रख रख के निकाले हुए हैं। अच्छा तू जानता नहीं मुझे, सिद्धू पाजी पैसे वाला आदमी हूँ, पैसा बहुत आ गया मेरे पास, और आपको सुनकर हैरानगी होगी मेरे अपने जाति तेल के कुएं। तुम्हारे तेल के कुएं तो जैस हमारे आदमी हैं। वो क्या करते हैं? वो ऐसी जो फालतू बातें करते हैं कुएं में धक्का देते हैं उनको। हमारी खुद की रेल की पटरियां हैं तो बाथरूम क्यों नहीं बनवा लेते? कपिल शर्मा देश के सबसे अमीर आदमी,
ये किसने लिख दिया। ऐसी बातों को गलती से भी नहीं लिख सकता। कपिल शर्मा, कपिल शर्मा ने नसीम विक्की को किया माफ। Enjoy. ये सच मुझे तो नहीं लिखा हुआ। और हाँ। पागल, मैं बाथरूम बनवाऊंगा? मैं अमीर आदमी हूँ, मैं गंदी चीजें नहीं बनवाता। जब रेल की पटरियां हैं तो बाथरूम पे पैसा क्यों लगाएं? अच्छा एक बात है, बहुत बड़ा हौसला होता आपका अपना बाथरूम है ना, आप अपने टाइम से हिसाब से फिनिश करके निकलते हो। रेलगाड़ी के टाइम पे आपको उसके टाइम के हिसाब से फिनिश करना होता है, क्योंकि अगर गाड़ी तेज आ जाती है आपको कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़नी पड़ती है। इस आदमी के हौसले की दाद देता हूँ। आपको पता है आपका हौसला और आपका मुंह, इसमें एक कॉमन चीज क्या है? कौन सी? दोनों बहुत बड़े, तोड़ूंगा मैं किस दिन। एक बार बता, इतना अमीर आदमी हो गया तो इधर क्या करने आया? एक्चुअली मेरा बंगलो बन रहा है। मैंने सोचा जितनी देर बंगलो बन रहा है मैं इस घर में रह लेता हूँ। और तुझे पता है मेरा बंगलो कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? हमारे घर के अंदर समंदर है। हमें अपने बेडरूम से बड़े हॉल तक जाने के लिए शिप चाहिए होता है। जब तू हमारा शिप देखेगा तो कहेगा ओ शिप। और दो कश्तियां, एक उधर से आती है एक उधर से आती है, तो आपस में टकराती नहीं है? हम देख के चलाते हैं। तो शिप रखे हुए हैं। हाँ। समंदर, समंदर, हमारे समंदर में तो हमारे खुद के तूफान आते हैं, वो भी दो दो, एक उधर से एक इधर से, कभी कभी तो हम ही फंस जाते बीच में। तूफान की बात कर रहा है, तूफानों की कमी नहीं है हमारे पास। शादी कर ली है मैंने। वाह क्या बात है, भाभी से नहीं मिलाया? अभी मिलाता हूँ। ट्विंकल, नमस्ते सिद्धू भाजी, कैसे हैं आप? धमाका। लगता है आप गलत सोसाइटी में आ गई हैं। सोसाइटी में तो मैं चली गई थी, अब तो मैं सही सोसाइटी में आई हूँ। वैसे भी सिद्धू पाजी, आपको पता है परिवर्तन समाज का नियम होता है, और ये बात आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना, तो उसे भूआ नहीं कहते, भूला नहीं कहते। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, केबल टीवी पे आता है। अच्छा, देखती हैं हम प्रोग्राम? हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा हाँ। वैसे आप दोनों की शादी कैसे हुई? हाँ, देखा, जहाँ बड़ा आदमी देखता है इसका इंटरव्यू निकल जाता है। पूछो, चाय मंगवा लो, पी लूंगा मैं। खैर भाई, चाय रहने दो। अच्छा, आपकी मुलाकात कहाँ से हुई थी? कैसे, मतलब मिले कहाँ से? वो क्या है कि ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, मैंने इस उम्मीद पर इनसे शादी कर ली कि ये मुझे फिल्मों में काम देंगे, पर इन्होंने आज तक मुझे फिल्म में काम नहीं दिया। अभी स्टोरी पे काम चल रहा है, मैं इनको सलमान खान के खिलाफ रोल दे रहा हूँ। खिलाफ नहीं, ऑपोजिट होता है। देखो भाई साहब, जब मैं सलमान खान को बोलूंगा कि आपके ऑपोजिट मैं इनको हीरोइन ले रहा हूँ, वो तीनों भाई बाप समेत मेरे खिलाफ होंगे कि नहीं? ये आपके मुंह पे छींक क्यों रही हैं? वो छींक नहीं रही, जब फ्लू होता तो मेरा नाम लेती, चीकू मेरा नाम है। अच्छा, आपका नाम चीकू है? चीकू। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कौन सी फिल्म आई आपके पहले? बस अभी एक बात चल रही है, अमिताभ बच्चन के साथ बना रहा हूँ फिल्म। अच्छा, फिर उन्होंने स्टोरी सुन ली, लो जी उन्हें पता चल गया कि ये शहनशाह फिल्म की कहानी है। वो असल में मैं समझा कि बहुत देर हो गई है, बहुत टाइम हो गया, भूल गए होंगे, उनको याद था। ट्विंकल, वो एक्चुअली मेरा करोड़ों का फोन आ गया, मैं अभी जरा फोन सुन के आता हूँ। गाय, कैरी ऑन, आई विल सी यू। हाँ, ओके, सी मी। हाँ, तो नानी चाय लगे आ जल्दी। सुनिए, आपके पास इतने सारे स्टार्स आते हैं, तो किसी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए ना। इंट्रोडक्शन तो आपका सबके साथ है, खाली बताना उनको कि आ गई हैं आप। वाह कप्पू वाह, इतने सारे गेस्ट आए यहाँ पर, किसी के लिए चाय नहीं बनवाई, आज ऐसा कौन हो गया जिसके लिए तूने चाय मंगवाई? मैंने कहा जी नमस्ते। नानी क्या हुआ तेरे को? ये तू भी अच्छी तरह से जानता है कि क्या हुआ है मुझे। मुझे लगता है ये चाय लाना भूल गई है। चाय है कप में। हा? हाँ, और कप में उबाल भी है, लेकिन उबाल जो है ना वो तूफान बन चुका है। नानी कैसी पागलों जैसी बातें कर रही तू? कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ये मेरी मम्मी जी जैसी हैं। खबरदार, तू मुझे मम्मी जी कहा तो। Call me पुष्पा। कप्पू, मेहमान आ चुके हैं ना मोहल्ले में, मैं चाय फेंक कर आती हूँ। चाय? आ
पाई है इस बगिया में फूल खिले हैं शांति बन भाई मोहल्ले में मेहमान है, तुमने मुझे बताया नहीं? तुम चौकीदार हो, तुम्हें क्या बताया? मैंने कहा जी नमस्ते। वहां का तेरे डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ हम कहीं गलत इलाके में तो नहीं आ गए। ये यहाँ पे कपू जी, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? अभी कल ही 2000 रुपए मांगा था आपने। शक्कर की कटोरी मांग के गए, परसों मेरा कच्चा ले गए, मेरा साइकिल मांग के ले गए। मांगा था मैंने यार, सॉरी, पर तुमने कुछ दिया तो नहीं ना। सुनिए कैसे हैं आप? मेरी छोड़िए, आप कैसे हैं? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे। हायर भाई, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? कॉलेज असलियत तो सबको मालूम है, बात करने का सलीका होता है, तो पता ही, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। बात नहीं मतलब बड़ा याद आई तुम मुझे। वैसे मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरी भी वाइफ बाहर गई हुई है बहुत टाइम से। लगता है आप दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। कॉलेज में थे भाई। कॉलेज तो आप कभी गए नहीं, आपने कभी बताया नहीं मेरे को। ये कौन सा भी कॉलेज में एमए करके हटी है? ये भी तो मैं कॉलेज की कैंटीन में काम करती थी। तो डॉक्टर साहब, आपका इतना प्यार था तो आपने शादी क्यों नहीं कर ली? ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से नहीं हो पाई। आपको शर्म नहीं आती? कॉलेज में पीते थे आप? मैंने ये पीते थे। मुझे सारी बातें याद है, कुछ भी नहीं भूला मैं। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, इसी बात पे शेर याद आ गया। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे ट्विंकल। लेकिन मैं सब समझता हूँ। अच्छा, इतना ही समझता होता तो पहले आ जाता। तो मीट माय पति चीकू। ये तुम्हारा पति है? हाँ जी। ऐसे तुमने नौकर रखने छोड़ दिए? चलो कोई बात नहीं, पहले मुझे जेलसी हो रही थी, मुझे सिम्पथी हो रही है। मैं ना मशीन में कपड़े डालकर आई थी धुलने के लिए, धुल गए होंगे, मैं जरा सूखने के डाल दूं। हाँ। हा? और सुनो, हाँ, श्वेत को इसको नील मत देना, सोने का पानी चढ़ाना। 1.5 लाख की शर्ट पहनता हूँ मैं। ये देखो, मैं पाजी इसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको पता है इसके पास इकट्ठा 100 रुपया आ जाए ना, तो घर में ढोलकी रख कर ना सारी रात फंक्शन करते रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो हमारे घर में नाच नाच के उसी फंक्शन से अपने घर का खर्चा चलाते हैं। पाजी आप ना मेरी दुकान पर उबलती हुई चाय टॉप एंगल से देखें ना, बिल्कुल इसके मुंह के जैसे बनती है। अगर नीचे से देखेंगे ना आपको बर्नर नजर आएगा, वो इससे खूबसूरत होता है। यार शर्मा, ये लो 150 रुपया, 4 बातें बोलो यार इसके मुंह पर। ये तो 50 रुपए हैं, तो 100 रुपए उधार कर लो ना। बोलो सही। ठीक है बोलो। मैंने सोच ली, मैं बोलूंगा तब जब बाकी की पेमेंट आएगी। यार वो बोलो ना जो मुझे कल बोला था। क्या वो तेरा मुंह डायपर जैसा? नहीं यार, इससे भी गंदा था। जो इससे भी गंदा तो वही होता है जहाँ पे डायपर लगता है। इसका पैसा वसूल है जी, और शुगर सोसाइटी में कोई मुंह के लिए बंदा आया है, मैं तो सच्ची थक गया। चाहे जितने मर्जी मुंह आ जाएं बेटा, तुझे ही मुंह की खानी पड़ेगी। और बात सुन, तू जानता नहीं मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ। तो इज्जत भी कमाओ थोड़ी सी। इज्जत तो आनी जानी चीजें आ ही जाएगी, मेहमान आए कुछ चाय पिला। अच्छा यार। कुछ भी बोलता है। ओहो, अंदर कपड़े डालने की कोई जगह ही नहीं है, कहाँ डालूं? इतने पैसे वाले आदमी हो, बीवी तुम्हारी पैदल जा रही है, इधर बग्गी क्यों नहीं रखवा लेते? अपने काम की फिक्र पड़ गई, मैं बगीर खाऊं तो आगे इसको घोड़े का काम मिल जाए। वाह, देखो बात तुम्हारी मेरी हो रही है, बीच में चंदू को क्यों ला रहे हो? हाँ तो सही बात है, जब गधे पैसा कमा रहे तो घोड़ों को मौत पड़ी हुई है। अरे अरे, हेलो, कौन हो तुम? क्या कर आप यहाँ क्या कर रही है? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, वो घर में जगह नहीं है ना कपड़े डालने के लिए, तो यहाँ डालने के लिए आई थी। सुनिए, पुराने गिले शिकवे सब भूल जाइए, ये पेड़ हमारा है। तो कोई बात नहीं, मैं शाखाओं पे कपड़े डाल देती हूँ। हमारी कोई शाखा नहीं है, हम ओरिजिनल है। सुनिए, आप आज के आज
ऐसी बातें कर रहे हैं कि रेगुलरली ऐसी बातें करेंगे। ये लीजिए चाय। मैंने आपको कहीं देखा लगता है। दूसरों को देखने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो। ये तो वही बात होगी कि उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। कहावत उल्टी है। कहावत उल्टी बोल रहे हैं, काम थोड़ी उल्टे करते हैं हम। ओए चंदू, अब तक जितने लोगों ने मुझे जो बोलना था बोल दिया, अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? खबरदार, हमारे चंदू को कुछ बोला तो। चंदू ने चंदन, चंदन नाम है मेरा, अगर मैं तुम्हें सरलू कहूँ तो। खबरदार, अगर तूने मेरे बेटे को कुछ बोला तो मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ देनी है। मैंने ये तेरे घुमा घुमा के मारना है ये। आई समझ तेरे को? यार मेरी बात आई समझ के नहीं आई, तू नहीं आना मेरे पास। ये लो 10 रुपए, इसकी बेटी को छेड़ूलाल 4 बातें बोलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को छेड़ूलाल बोलने की? डॉक्टर भी तो बोलता है आपको, उसकी तो बेटी को छेड़ता हूँ मैं। खबरदार, मेरी बेटी को छेड़ा तो। यार मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो तो। हाँ, तुम्हारे गरीबों के पास और देने के लिए है क्या? बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हम क्यों भूल जाएं, हमारा तो अच्छा ही चल रहा है। ये क्या? मेरी बीवी पे कूड़ा डाला। मेरी नानी पे चलाया तू। मैं आपकी दाल में कूड़ा डाल दूंगी। मैं आपके कूड़े में आप ही का दाल डाल दूंगी। मैं आपकी दाल और कूड़ा मिक्स करके ना सबको एक एक कटोरी खिला देनी मैंने। बस चले यार, लड़ते रहते यार, कोई नई बात करो। चलो हाथापाई करते हैं। पाजी, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कैसे? एक तो वो होते हैं जो शादी में भाग लेते हैं। हाँ। जैसे आपने अपनी शादी में भाग लिया और प्रॉपर शादी निभाई। एक वो होते हैं जो शादी से भाग ही लेते हैं। रफू चक्कर? जी हाँ, आज हमारे शो में जो गेस्ट आ रहे हैं, जो मेहमान आ रहे हैं, वो वैसे ही दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो शादी से भाग जाते हैं, क्योंकि फिल्म का नाम है हैप्पी भाग जाएगी। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड मिस्टर अभय देओल एंड डायना पेंटी। मैं एक बार और हाथ मिलाना चाहता हूं भाजी। मैं देख रहा हूं भाजी, इनकी फैमिली में किसी का 2.5 किलो का हाथ है, किसी का 7.5 किलो का, और मैं यही चेक कर रहा था कि आपका हाथ कितने किलो का है। मेरा इतना हैवी नहीं है। इतना नहीं, पर है वैसे, लगता नहीं पर सख्त है भाजी। और मेरा ध्यान उधर था जिस हाथ को वो पकड़ के लाए आज। तो आप कुछ कहना चाहेंगे भाजी? हो जाए जो हमसे कभी वो खता बता देना, मोबाइल नंबर ना सही घर का पता बता देना। हम खड़े रहेंगे दीदार के लिए, हैप्पी आप जहां से भी भागो बस रास्ता बता देना। डायना, आपको समझ में आ गया ना सिद्धू भाजी ने क्या कहा है? बिल्कुल नहीं आया। उनका कहने का मतलब कि कहीं पे भागो आप रास्ता बता देना हमें। That part I understand. तो आप दोनों को हमारे शो में बहुत स्वागत है, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा, मैंने आप लोगों की फिल्म का ट्रेलर देखा पाजी। इनफैक्ट ट्रेलर यहीं पे लॉन्च हुआ था हमारे शो पे ही। फिल्म में दिखाया कि लड़की भाग जाती है शादी वाले दिन। हाँ। हैप्पी भाग जाती है, रुकती नहीं है। अच्छा, जब आपको पता ही था टाइटल भी फिल्म का हैप्पी भाग जाएगी, तो आपने इतना खर्चा क्यों किया शादी पे? मतलब मंदिर में शादी रख लेते, 4 मेंबर लड़के वालों की तरफ से आते, 4 लड़की वालों से, लड़की भाग भी जाती। तो पाजी ये टाइटल कैसे? मतलब वो तो जिम्मी ने स्पेंड किया ना पैसे अभी बेचारे ने। अच्छा, शादी पे? हाँ, मैंने थोड़ी स्पेंड किया, मैं तो इसको हेल्प करने में बिजी हो जाता हूँ। एक्चुअली अभय जो है ये एक पाकिस्तानी सिटीजन है वहाँ पे, तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो लड़की भागती है और इतना भागती है कि बॉर्डर क्रॉस कर जाती है और मेरे घर पे पहुंच जाती है। टोकरा में? टोकरी में? टोकरी में। टोकरा भी सही है। One thing I tried to say in the end, it was wrong. डायना पाजी, नाम देखो आप, नाम में वीजा लगा हुआ है। ऐसा लगता है ये लंदन जाएंगे, इनको कोई रोकेगा ही नहीं। मैं, मेरा दिल कर रहा है आज इसका नाम देख के ना कि अपना नाम भी प्रिंस चार्ल्स रख लूं। वैसे भी वी आर फ्लाइंग टू लंदन, आवर शो प्लग इन टू मीट द क्वीन। नहीं, हमारा शो हो रहा है एक्चुअली, तो सीधा सीधा बोलते तो चैनल काट देता, तो इसलिए मैं बहाने से बोल रहा हूँ। एक्चुअली वी आर गोइंग टू परफॉर्म लाइव इन लंदन। व्हाई डोंट यू जॉइन अस बेबी? डायना, ये तो हुई फिल्म की बात,
सच में आपको भाग के शादी करनी हो तो करेंगे आप? क्यों नहीं, लड़की तैयार है। पाजी अबे, पाजी की पहली फिल्म थी सोचाना था, तो उस समय आपने सोचा था एक दिन आपको हमारे शो पे आने का मौका मिलेगा? देओल फैमिली से कोई भी आता, मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने कजन आ गए हैं। हाँ। मेरे को एक्चुअली सीरियसली आई लव धर्म पाजी। हाँ। वो भी मुझे बोलते हैं, कहते तू मेरा बेटा है, तू मेरा तीसरा बेटा है। आपको पता है हमने भी जब अपना शो शुरुआत करी थी तीन साल पहले, ही वाज द फर्स्ट गेस्ट, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। डायना ने एक फिल्म की थी कॉकटेल, पाजी ने वो भी देखी है आपकी? नहीं तो पाजी फिल्में देखते नहीं है। टू गुड। ये भी फ्लाइट में देखी होगी आपने पक्का? कहाँ? मैं फैमिली के साथ, और जितने भी बंदे थे उन्होंने कहा कुड़ी पंप पटाका, पर पंजाबियों की वो ना कुड़ी बहुत सुना, बहुत सुना। यू गॉट व्हाट सिद्धू सर सेड? बम पटाका। बम पटाका, व्हाट डज दैट मीन? बम पटाका इज लाइक यू नो इन स्मॉल सिटीज ऑन दिवाली फेस्टिवल ए बम इज मेड ऑफ अब क्या एक्सप्लेन करूं भाई, बम पटाखा क्या होता है? पर एक्चुअली कॉकटेल के बाद इन्होंने जल्दी इसलिए भी कोई फिल्म नहीं की क्योंकि उसी का हैंगओवर चढ़ा हुआ था, और हैंगओवर का भी दिल नहीं कर रहा था उतरने को। हाँ। अच्छा ऐसी खूबसूरत लड़की हो ना तो बुखार भी 6-7 दिन उतरता नहीं है, इंजॉय करता रहता कि अच्छी खूबसूरत लड़की को चढ़े। भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर देना मैंने क्या कहा। He's saying I'm a sick man, be careful of me. Because I'll jump you. मुझे तो लगा था आप मेरे भाई हो, आप मेरी पुंगी बजाने लग पड़े। अबे आप भी बहुत कम फिल्में करते हैं, और मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है, आप काफ़ी फिल्में रिजेक्ट कर देते हैं एक्चुअली। मेरे कुछ दोस्त ऐसे पूछ रहे थे कि अबे आज पहली बार आपके शो पे आ रहे हैं, ऐसे पूछना जैसे सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ बड़ा फेमस है फिल्म में, कभी कभी तो मुक्का मारते ऐसा लगता स्क्रीन फट जाएगी, आदमी थोड़ा डरते हैं देख के। जब मैं 8 साल का था, भैया ने नहीं लेकिन पप्पा ने एक बार थप्पड़ मारा था मुझे, तो अच्छा उसका मार्क रह गया था मेरे चेहरे पे, कम से कम 5 मिनट के लाल था यहाँ पे। एंड इट वाज माय फॉल्ट कि वो गाड़ी बैकअप कर रहा था ड्राइवर, और मैं भागा गाड़ी यू नो टू पास इट, तो पापा ऑब्वियसली गॉट एंग्री कि यू नो डेंजरस बात है। तो धर्म पाजी के अजीत अंकल, धर्म पाजी सॉरी, अच्छा। मेरे ताए जी जिनको मैं पापा कहता हूँ, जॉइंट फैमिली हमारी, तो एक एंड दैट्स द ओनली टाइम ही एवर हिट मी, एक ही बार थप्पड़ लगाया हमसे, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी गलती करने की। एग्जैक्टली, एक्चुअली नॉर्मल थप्पड़ जो होता है ना पाजी वो यहाँ तक ही छपता है, धर्मेंद्र पाजी का यहाँ तक जाता है सर तक, इतना बड़ा आता ना, उनसे हाथ मिलाओ ना तो आम लोगों के हाथ यहाँ पे हो जाते हैं, उनका हाथ यहाँ तक आता है, इतना बड़ा हाथ है धर्म पाजी का। बट आई लव धर्म पाजी सो मच, पाजी आई लव यू एंड आई मीन इट। वाओ, इधर डायना है इधर डायन। वेल प्लेड, ब्यूटीफुल, वेल प्लेड विद वर्ड्स, नाउ यू नीड टू प्ले विद योर लिप्स, जस्ट शट देम। वैसे डायना जी एक बात बताइए, आप इतनी मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं, शूटिंग वूटिंग करती हैं, फिर भी ऐसे स्लिम ट्रिम थिन एंड क्रिस्पी रहती हैं। क्रिस्पी वो क्या है? खाओ, मतलब इतना कमाती हैं थोड़ा खाया भी कीजिए। तुम भी जितना कमाती हो उतना ही खाया करो, अपने बाप दादा चाचा ताओ सबकी जायदाद खा गई हो। ओ कपूर शर्मा जी, मैं आपको बताना भूल गई, आपके लिए एक मैसेज आया था मेरे फोन पे, वो शत्रुघ्न सिन्हा है ना एक्टर, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा, मैं एक मिनट देख के बताती हूँ आपको। उन्होंने कहा है कांबो। अभी जी डायना जी, आप लोग अपनी फिल्म लेकर आए हैं हैप्पी भाग जाएगी, नहीं लेकिन ये गलत है, भागना नहीं चाहिए। क्यों? नहीं, भागने की क्या जरूरत है, बी कॉन्फिडेंट, भागने की कोई जरूरत नहीं। आप मुझे देखिए, मैं कभी नहीं भागती हूँ, कितने लड़के मुझे भगाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से, मैं नहीं भागती, मैं डट के वहीं खड़ी रहती हूँ। ये तो सही कह रही है। कल एक ना इसको एक मुर्गे ने भगाया, ये एक मुर्गी को पकड़ के ना उसको दबा के उसका अंडा निकाल रही थी, उसका हस्बैंड आ गया, उसने चोंच मार मार के भगाया। डायना जी मुझे लगता है कि
हम दोनों की बातचीत होने नहीं देंगे. He's just jealous. ठीक है, कोई बात नहीं. मैं थोड़ी देर के लिए अपना अटेंशन आपसे हटाकर यहाँ पर लेकर आती हूँ. Tell me, señorita. अभय जी, देखिए, आप सिंगल हैं, मैं सिंगल हूँ. तुम ट्रिपल हुई क्या? तुम कैसे सिंगल? सिंगल मतलब अगर अभय सिंगल है, so how you are single? Look at you, man. I am single. बताइए ना इन्हें. हाँ, ready to mingle. बंपर, उनको घरेलू लड़की चाहिए. तुझे खाना बनाना आता है क्या? नहीं, पर मुझे बनाना खाना आता है. यानी कि बनाना जो है उसे आप. देखिए, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि आपकी जो फिल्म है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ओ ओ, आई लव इट. आउटफिट तो पहनी आपने फिल्म से? हाँ, मैंने आउटफिट इसीलिए तो पहनी है, मैं इतना प्यार करती हूँ ना उस फिल्म से. बट आई एम रियली सॉरी, उस फिल्म का जो पार्ट वन था ना, वो मैंने मिस कर दिया था. पार्ट वन कब आया था उसका? वो तो दोबारा थी, तो पहला पार्ट भी होगा ना, ये वाली तो दोबारा थी. आपने दिल चाहता नहीं देखी? हाँ, मैंने दिल चाहता था पार्ट वन. ओ अच्छा, वो पार्ट वन था वो आपके. खैर, मैं आपसे कह रही थी कि आपकी जो फिल्म थी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें मैंने देखा. हाँ. अब उसमें जो सिनोरिटा थी, ऐसी टाइप की नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इशारे में जो बातें हो जाती है ना, वो बात करके भी नहीं होती है. हाँ. जैसे इशारे इशारे में बहुत कुछ कह जाती हूँ मैं. हुँ. बहुत कुछ. जैसे कि मैं आपको इशारा करती हूँ, आप देखिए, आपको समझ में आता है. देखना. इसका मतलब मैं समझ गया. इसका मतलब है कि लुची है. नहीं, इसका मतलब है कि इसका पेट खराब है और बाथरूम 1 किलोमीटर दूर है कम से कम. अरे मुझे ना वो तुम्हें मैसेज देना था, तुम्हारे अंकल आके गए थे. क्या कह रहे थे? उसको मैसेज दे देना बम्पर को. क्या वो कह रहे थे? गेट आउट. चलिए, हो सकता है कि ऐसे इशारों में आपके पास समझ ना आ रही हो, लेकिन ये आदमी मेरे ख्याल से रुकेगा नहीं, इसके लिए मैं यहाँ से चलती हूँ. लेकिन थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, मुझे बड़ी खुशी हुई. थैंक यू. ओके, बाय, सी यू, बाय. पाजी, अब वक्त है फिल्म के कुछ और कलाकारों को यहाँ पे इनवाइट करने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अली फजल और मोमल शेख. हाय हाय. अली और मोमल का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. जोरदार ताली हो जाएंगे प्लीज. आप दोनों जो हैं वो इस फिल्म में क्या किरदार निभा रहे हैं? मैं अगर अपना कैरेक्टर थोड़ा सा बताऊं यहाँ पे. जी जी प्लीज. मैं उससे पहले मैं अपना कैरेक्टर बताता हूँ. माय कैरेक्टर इज लिटिल लेस, लिटिल ढीला. जी मोमल, आप फिल्म में क्या किरदार निभा रही हैं? ये वो लड़की है, ये वो कैरेक्टर है जोया जिसका नाम है, वो डिसाइड करती है कि कौन से लड़के के पास जाएगी. हाँ. कौन से लड़के के पास जाएगी? जी. तो जहाँ तक मुझे ट्रेलर देख के समझ में आता है कि शादी आपकी जो है अभय के साथ हो रही है. आपने ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं देखा? नहीं, मुझे लगा ऐसा आपकी बातों से. जब आप कहती कि ये कौन है, ये हैप्पी है, वो तो मैं लग ही रहा है. तो हैप्पी की शादी हो किससे रही होती फिर? वो मैं डिसाइड करूंगी ना एंड में फिल्म में, जो आप लोग देखेंगे. अच्छा, मोमल का मतलब क्या होता है वैसे? मोमल का मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत. वो तो हमें पता ही है. बोल रही हो तो. नहीं नहीं नहीं. अभी मरोगे या बाहर जाके? देख, फिल्म में चांस नहीं मिला, बट आई लव यू. फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. यार क्या कर रहे हो, कंसर्न न्यूज़पेपर में छप जाएगा, घर जाके जूते पड़ेंगे. क्यों ऐसे कि वो इतना खूबसूरत है अली? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है. हाँ जी जी. मेरे हस्बैंड जो है वो इतने शोज और चीजें नहीं देखते हैं, चैनल्स पे या कुछ भी वो, लेकिन आपको जरूर देखते हैं और आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं. आपको पता है आपके पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, कि जब मैं आ रही थी मैंने 2-4 लोगों को बताया तो मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल गए, प्लीज उनको ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा. मेरे पास एक लिस्ट है आपके लिए. तो लाई आप? जी. ठीक है, तो कहीं किसी ने शॉपिंग लिस्ट तो नहीं भेज दिया आपको? तो ये लेके आना, बॉम्बे जा रही हैं. तो जैसे कि आप सबको पता है,
और आप सब लोगों के बीच बीच में कोई फरमाइश भी थी, ऐसे बोल रहे थे मुझे कोई, कहते अबे से हम लोग ना एक सनी पाजी का कोई डायलॉग सुनना चाहते हैं अपने अबे के अपने स्टाइल में, ऐसा मैं भैया का डायलॉग कैसे बोलूंगा ऐसे ही। अब खुराफाती दिमाग है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, कोई कुछ भी सोच लेता, क्या करें इनका। But it'll never sound as good. कहते आपका स्टाइल में या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं, एक मेरा बड़ा फेवरेट है। कौन सा? मजदूर कहा था गा दिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है, वो वाला डायलॉग आपको अपने स्टाइल में गाना, आपको अपने स्टाइल में बोलना। आप मुझे मेरे खुद के डायलॉग बता दो ना, आई मीन आई कैन डू भैयाज डायलॉग। अरे वहां वो पंप नहीं, पंप है, है? ये है टीपॉट, पंप। He took out the pump, na, wo, usme. When you say pump, I think of Mahi Gilin Dev D, which is... अरे नहीं। हेलो, हाँ जी भैया, आए हैं? नहीं, एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, आपस में लगे हुए हैं। नहीं 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 यार, क्यों? अच्छा, चार दोस्त आए हो ना, तो ये मजेदार चीज है। तो डायलॉग वाली बात बीच में रखी फिर। I mean, I can never match भैया। अच्छा, मैं यही डायलॉग ना डायना सुनना चाहता हूँ। डायना प्लीज, यू कैन ट्राई एट लीस्ट। या प्लीज डायना। ये अब अच्छा, डायना जब बोलेगी कि हाँ बोलेगी, मजदूर का हाथ है कातिया, ढाई किलो का नहीं, इट्स जस्ट 50 ग्राम। डायना विद फुल गुस्से में, हाँ, ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये मजदूर काटिया 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 लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। वेरी गुड। आप सबसे बातें करने के लिए हमारे यहाँ पे जो मेहमान बैठे हुए हैं ये काफी उत्सुक हो रहे हैं, तो आप लोगों के मन में जो भी सवाल है, जो भी फरमाइश है, आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। जी, कौन पहले बात करना चाहते हैं? जी मैडम, मेरा सवाल अभय सर से है। जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा योगा करते हैं और वो आपकी फिटनेस से भी पता चलता है, तो आपको देख के मैं इनको भी बोलती हूँ कि आप भी योगा कीजिए, लेकिन ये मेरा सुनते ही नहीं है। बहुत कहने पे वो मार्केट जाके शिल्पा शेट्टी की सीडी लेके आए, हाँ। लेकिन सिर्फ शिल्पा शेट्टी को ही देखते रहते हैं, योगा तो करते ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप उनको टिप्स दीजिए, एक दो योगा के स्टेप सिखाइए कि वो कुछ करे, बैठे बैठे इनका पेट भी बढ़ गया है। पर ये इन्होंने आपकी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है? अच्छा, मैचिंग करके आए आप, तो जी आप क्या, सब प्लीज आइए आइए। एक से के लिए योगा अच्छा होता है, और योगा में ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, सो एज यू ब्रीद इन गो, ओके सो, और ये जो नाभि दिखने लगती फिर उसका क्या करें? तो सबसे पहले टी शर्ट को नीचे करें, हाँ, उसके बाद ऐसे करें, एंड देन व्हेन यू ब्रीद आउट गो डाउन। ओ आप, या भाई आप क्या दिखा रहे हो? ओ ब्रो, ओ ये सही है, फेस दिस वे, फेस दिस वे, देयर यू गो, ऑलराइट, यू गॉट इट, पूरा क्लीवेज दिख रहा था। Breathe in, breathe out. Now, breathe in, look up. आपका जो पीठ है ये। ओह, तुम्हारी डिग्गी जातियाँ मार रही हैं। अगर आप नीचे हो, go down. So when you breathe in, now straighten your back. हाँ, like that. And as you breathe out, jump back and go down. Right? Breathe in, breathe out. और यहाँ पे normally 5 breath लेना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार है। हाँ, सूर्य नमस्कार। And then jump back. Breathe in, breathe out, breathe in. मरवा दिया भाभी जी आपने। ये हो गया आपका सूर्य नमस्कार। Thank you sir. Thank you. 10 बार किया करो। Thank you sir. अब क्यों, कैसे सांस खुल गई होगी ना? एक और तरीका है सूर्य नमस्कार का। सूर्य देखो, उसको बोलो नमस्कार एक ही बार में, ठीक है? Thank you. बिना थकावट के सूर्य नमस्कार, उससे भी इजी है। एक और, हेलो। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब, मैं ना डेली सोप्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। डेली सोप्स का मोमल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में तो सीरियल बहुत रियलिस्टिक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना, यहाँ पे हीरोइन को कभी नागिन या फिर कभी मक्खी बना दिया जाता है
अगर आप यहाँ पे सीरियल में अगर काम करें, अगर आप मक्खी बन गए, अभी आप मान लीजिए आपको कपिल सर ने छेड़ दिया या फिर आपको बहुत सताया हो। मैंने छेड़ता, वो मैरिड ना, क्यों? मक्खी बन के आप कैसे बदला लेंगे मैडम? मक्खी बन के मैं कैसे बदला लूंगी? किससे? कपिल सर से। नहीं, मैं क्यों लूंगी उनसे बदला? सताया नहीं मैडम उन्होंने आपको? नो नो, ज्यादा से ज्यादा क्या मेरी दाल में गिर जाएंगी और क्या? और इससे ज्यादा क्या? थैंक यू भैया। क्या आप भी आईटी में? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ सर। सर एक मेरे को बात पूछनी थी आपसे। बोलिए सर। डू यू हैव एनी आइडिया सिद्धू साहब ने रिजाइन क्यों दे दिया? तेरी ऐसी पहली बार क्या होता? मैंने कहा डॉक्टर है शायद, बताओ। पाजी पता क्या है, आप मेरे वो बड़े भाई, लोग मेरे से पूछे जा रहे हैं, मेरे को क्या पता। और डायरेक्टर साहब, कट इट कट इट। डॉक्टर साहब, ये जो आप फरमाइशें कर रहे हैं, हाँ सर, मुमल से कभी मक्खी बन जाओ कभी नागिन बन जाओ, हाँ सर, आप खुद कर सकते हैं ये अगर आपको कहा जाए? क्यों नहीं सर, आपको नाग बन के बदला लेना है किसी से? कर सकता हूँ ना सर, डेफिनेटली। क्या बिल से निकल के आए? आइए 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 प्लीज सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। वेल डन यार डॉक्टर साहब, कमाल कर दिया यार। और कोई मेरे दोस्त? जी सर। नमस्ते कपिल जी। सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, कॉपी टू ऑल, बाकी सबको हाय। कपिल जी, मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। जी तीन कहिए सर। पहले तो आपका जो शो शुरू हुआ उसमें आपने एक हॉस्पिटल लगा दिया। मैंने किसी से कहा, मैं हर रोज हर बार आपका शो देखता हूँ जी, ये हॉस्पिटल से ज्यादा एक फिटनेस स्पा या फिटनेस का जिम है जी। ये पूरा फिटनेस पैकेज है। यहाँ पे आप हंसी के ठहाके लगाते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होती है, इससे ज्यादा अच्छी वर्जिश कोई नहीं हो सकती सर। शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया वर्जिश है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं 25 सालों से एक संगठन चलाता हूँ जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ लेफ्ट हैंडर्स। अरे कैसे हैं आप? बस ठीक। साउथ पॉज़ पहचाना मैंने आपको। यस, वेलकम सर। थैंक यू। तो इसके बारे में पूछ रहे सर, आई स्टार्टेड ऑफ, मैं लेफ्ट हैंडर था बट माय पेरेंट्स मेड मी राइट हैंडर। यस सर, उसी के बारे में बात करने वाला हूं। मुझे फोर्स किया गया बिल्कुल कि लेफ्ट गलत है, राइट सही है। और मैं पूछता था कि लेफ्ट, तो ऐसे लेफ्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? 25 सालों से हम इसी बात पे सोसाइटी में, समाज में काम कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कपिल जी एक जीती जागती मिसाल है कि बाएं हाथ से, ही इज हिमसेल्फ अ लेफ्ट हैंडर, तो बाएं हाथ से काम करके आप ऊंची से ऊंची चोटी पर पहुंच सकते हैं। तो जिन बच्चों को लेफ्ट हैंड से काम करने की आदत है, उनके माँ बाप से हमारा अनुरोध है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली कुछ गलत धारणा बन चुकी है, अदरवाइज लेफ्ट हैंड से काम करें आप, उसमें क्या बुराई है, दोनों हाथ अपने ही है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और तो मेरे दोस्त, हाँ जी। हाय सर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर आप सब लोग को नमस्कार है। नमस्कार। मुझे तेरी वर्दी बड़ी अच्छी लगी यार। जी सर। जी सर, मैं तो, मेरा आज बहुत बड़ा किस्मत है सर, जो जो लोग सपने भी नहीं सोचते कि सपनों के राजकुमार के पास पहुंचने के लिए, तो मैं आज पहुंच गया, तो मेरी बहुत बड़ा किस्मत है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल सर, आप देखिए सर, मैं अभी बहुत समय से देख रहा हूं कि आप कहीं पाकिस्तान, कहीं और हिंदुस्तान की, पंजाब, हरियाणा, कहीं कहीं से आप अतिथि को यहाँ बुलाई है जी, लेकिन अभी तक चाय का दुकान आपकी बंद भी है। नहीं चलती है ये। तो मेहमान को थोड़ा कुछ तो खिलाना पिलाना हमारा ही काम होते है सर। तो मैं अगर कहूँ कि मेहमान घर से खा पी के आए तो पिला देना सही है सर। नहीं नहीं, पर आप मतलब आप, आपका सवाल क्या है? कुछ आप चाहते हैं कि मैं मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने को मंगवाऊँ? नहीं सर, मैं लाया हूँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर से आया हूँ। अच्छा। और सर मैं कुछ नारियल लाया हूँ। लेके आए आप डम्बोर? चलो बेटा हम पिला देंगे। वाह, डम्बोर धर। ये नारियल है कि बड़े वाले संतरे हैं? जी सर, ये एकदम फ्रेश वाला है, सर लाया है। किंग कोकोनट ग्लास ग्लास ग्लास। बजट बहुत है हमारा, लेकिन आपको छुरी भी चाहिए ना, इसको भर दीजिए ना। कैसे काटोगे आप? तो इसको काटेंगे कैसे सर? काटने का कोई जरूरत नहीं है सर। I love the reaction.
क्या बात है यार, तो आपको ऐसे पेन नहीं होता क्या? सर मेरा 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 5 बार लिम्का नेशनल रिकॉर्ड है, और वह ये मिराकल रिकॉर्ड है, एशिया बुक रिकॉर्ड है, इंडिया बुक रिकॉर्ड है, दुनिया में जितना रिकॉर्ड बुक्स है ना सर, सब में मेरा नाम है सर। यार एक आपके लिए मुझे एक खूबसूरत सा गिफ्ट देना है आपको। जी सर। मैं अपनी दोनों ही खूबसूरत मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये खूबसूरत सा मोबाइल, ये मैं आपका नाम भूल गया ब्रदर, केशव स्वाई, केशव, केशव जी को ये खूबसूरत सा मोबाइल आप दे दीजिए। आइए ब्रदर। थैंक यू केशव जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर, थैंक्स, शुक्रिया। तो मोमल, मोमल जब आप, तो जब आपको कहा गया कि आपको ये कैरेक्टर करना है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप एक इंडियन फिल्म में किरदार निभा रही हैं? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि ये भीख मांगने का टाइम है। अरे हाय अली, हाय अभय, हाय मोमल, हाय डायना, कप्पू, क्या क्या इशारे कर रही है? अच्छा हाय, आप लोग सब यहाँ ऐसे कैसे? वो तो अपने टैलेंट के दम पे आई, तू ऐसे कैसे? ये सामान लेके कहाँ जा रही है तू? अरे मैं अकेली नहीं जा रही, मैं तो वही तो इशारा करी थी, तुम्हें बुला रही थी, चलो ना साथ में भाग चलते हैं। हाँ हैप्पी को देखो, भाकी कितनी खुश है। तो वो बाय नेचर भी ऐसी है ना, तेरे साथ तो जॉनी लीवर भी भागे ना, वो भी सीरियस एक्टिंग करना शुरू कर दे। मेरे साथ भाग जाओ, ऐसे कैसे भाग जाओ? तुम बस हमेशा अनरोमांटिक बातें कर लो, डायना को देखो कॉकटेल में कितनी रोमांटिक थी। अच्छा आपको पता है ये आपकी कॉकटेल फिल्म देख के इसको बाद में पता चला कॉकटेल किसको कहते हैं, नहीं तो पहले इसको लगता था मुर्गे की पूंछ को कहते हैं। बैठो बैठो, आ जाओ। कपूर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे भगाते क्यों नहीं हो? मैं तो कब से कह रहा हूँ भाग, यहाँ से भागती नहीं है। क्या चल रहा है? एक मिनट, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ कपिल शर्मा। हाय, आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, डॉक्टर मिश्र गुलाटी, BJGM। BJGM मतलब? बहुत ज्यादा गुस्से में। ये क्या है यहाँ पे, कपिल शर्मा मेरी बेटी को भगा के लेके जा रहा है क्यों भाई? और ज्यादा सुनो, कप्पू गुलाटी बनने की कोशिश नहीं करनी तू इधर आ। पापा, हाँ? पापा लेकिन शादी के बाद ये कप्पू गुलाटी नहीं, मैं सल्ला शर्मा बनूंगी। मेरी बात सुनो, आपस में शर्मा गुलाटी गुलाटी शर्मा करते जा रहे हो, मेरे से तो पूछ लो, मेरे को करना नहीं, मैं कोई नहीं भगा रहा, आपकी बेटी मेरे को भगाने आई है यहाँ पे। मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर रहा, ये सच बोल रहे हैं जी, ये मेरी बेटी भगा रही थी। बेटी ने तो मुझसे सेटिंग की थी, पता नहीं इधर क्या क्या हो रहा है। तुम्हें अपने दुख रोए जा रहे हो यार, यहाँ पे हर आदमी परेशान ही बैठा है। ज्यादा नहीं बोलना, मैंने नारियल मार के अपना सिर फोड़ लेना। मैं बता रहा हूँ, ये भगा रही थी मेरे को, ये भगा रही थी। अच्छा, एक तो तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ जैसी है, ऊपर से हरकतें भी तुम्हारी माँ जैसी, भागने वाली बातें कर रही थी। ये तो मैं डराने के लिए लाया था। अरे डॉक्टर साहब इधर बैठे खड़े क्यों? थैंक यू सो मच। ऐसे कौन बिठाता है भाई? अरे बैठो, आराम से बैठो, हमारे गेस्ट आए हैं। सारा मेरा जयपुर से ला दिया तुमने। मेरी लाइफ के ऊपर है ये फिल्म। आपकी लाइफ? मेरी वाइफ भी भागी थी, आपकी फिल्म में भी हैप्पी भाग रही है, तो सेम। आपने वैसे पहले भी फिल्में बनाई हैं मेरी लाइफ के ऊपर, अभय जी। कौन सी? वो बनाई थी ना, ओलो। ओ, वो लकी लकी होए। आप चोर हो? मैं आप चोरी करते हो? बस अपने मुंह से क्या कहना। तो आप अबे जी मेरी लाइफ के ऊपर फिल्में बनाते जा रहे हैं, तो राइट्स की बात कर रहे हैं थोड़ी सी। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्टोरी। मेरी स्टोरी बात उन दिनों की है जब एक सेकंड डॉक्टर साहब, आपकी स्टोरी सुनते सुनते चाय पीते हैं, आइए सर, हम लोग वहाँ पे एंजॉय करते हैं। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, आइए आइए, दुबई टी स्टॉल से आपको चाय पिलाते हैं, रेत मिला के आइए। दुबई टी स्टॉल
आइए प्लीज बैठिए, मेरी स्टोरी का मजा लीजिए। बात उन दिनों की है जब मैं सोचा करता था कि मैं हैंडसम खूबसूरत क्यों नहीं हूं। मेरी शादी हुई और मेरी शादी को अभी 15 मिनट ही हुए थे कि आप कौन है? मैं मशहूर गिलाटी पेंचर वाला। मेरा ट्यूबों की सर्जरी का काम है जी। हाँ जी, लेकिन रिश्ते के लिए तो हमें राजेश खन्ना की फोटो दी थी। आपने अच्छी फोटो मांगी थी, हमारे पास वही एक अच्छी फोटो थी, हमने भेज दिया आपको। अच्छा। हाँ जी। और आप पंचर का काम करते हैं? हाँ जी, यस। ये बात तो सहेलियों को बताने में हमें बड़ी शर्म आएगी, तो दोस्तों को बता देना फिर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना काम चेंज कर दूंगा आपके लिए। अच्छा। या मैं ना, मेरे मामा जी हैं, उनका बिजनेस है, वो अपना बैगरगिरी करते हैं चौक पे, मैं उनके साथ बैठ जा करूंगा। आप भीख मांगोगे? मेरे को आती है। अच्छा। हाँ जी, तो आई विल जॉइन दैट। ठीक है फिर, ठीक है। अच्छा हम बहुत थक गए हैं। हाँ जी। हमें नींद आ रही है, तो हम लोग सो जाएं? आप इस बेड पे सोएंगी? हाँ। ऐसे तुम्हारी कोई बात नहीं हुई थी? हमारी शादी हुई है, बेड देने की बात नहीं हुई थी, बेड पे मैं ही सोऊंगा, आप नहीं सो सकती इस बेड पे, इतना सा बेड है, दो लोग कैसे सोएंगे? लेकिन इसमें बात करने वाली कौन सी बात है, पति पत्नी साथ में रहते हैं। पति कहाँ से भैया, हमारी शादी हुई है, ये तो शादी का नाजायज फायदा उठा रही हैं आप। नहीं नहीं, पति पति कोई नहीं, आई एम जस्ट मैच्योर ग्लैटी, आप ऐसा नहीं कर सकती। ओके, आप जरा यहाँ बैठिए, हम पानी पूरी खा के आते हैं। पानी पूरी? जी हाँ। इस वक्त? ओ, जैसे मुझे ड्रिंकिंग हैबिट है, आपको भी मतलब पानी पूरी की रात को हैबिट्स है। ओके ओके, नाइस नाइस, आई डोंट माइंड। ठीक है जी हाँ। वो पानी पूरी वाला बाहर बाइक पे हमारा वेट कर रहा है। बाइक पे वेट कर, एक मिनट रही। ये बैग उठा के पानी पूरी कौन खाता है भाई? कौन का आपसे क्या मतलब है, आपको दिखने ना कि हम जा रहे हैं। ओके वैसे आपके पास 1 लाख रुपए होगा? 1 लाख तो नहीं है मेरे पास, हाँ उससे थोड़े कम है, ये 35 रुपए है मेरे पास, ये रख लीजिए। एक्चुअली हाँ 35 भी चलेगा। ठीक है शुक्रिया, मैं आती हूँ। जल्दी आना। अभी तक आई नहीं। ओहो अभी तक आई नहीं, कहीं भाग गई इसका मतलब। भाई वाली सर भाग गई? नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी दुख भरी कहानी सुन के मेरे को बड़ा मजा आया। मजा आया? बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, अगर आपको इतने में मजा आया इस टुच्ची कहानी में, सोचो जब हैप्पी भाग जाएगी, फुल फ्लेज्ड भागने की स्टोरी है, उसमें कितना मजा आएगा भाई। है? हैप्पी भाग जाएगी की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां, डायना अवे अली और मोमल के लिए जोरदार तालियां। तो जाने से पहले एक सेल्फी। अली, ये हमारा रिश्ता। I hope you understand. Yes, bro, I get it, man. कहां से दबाते हैं? दबाओ। इधर आइए डॉक्टर साहब। Thank you so much. और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।